गैल्वेनोमीटर को हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहेंगे। ओके, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो इसके नाम से पता लग रहा है मीटर, मीटर मीन्स टू मेजर समथिंग एंड दिस मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस बताता है किसी भी सर्किट। सो वी कैन राइट इट्स इंट्रोडक्शन एज device to know the presence electric current and to measure इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू बी अप्लाइड इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। Whenever we keep a current carrying circular coil in a magnetic field, it experiences a torque and because of that torque it rotates. This principle we use with this instrument, that is galvanometer. Okay. Then description and diagram. As obvious, there is a coil which will carry current.
ये एक्चुअली मैग्नेट है ये, और ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस हमने इसमें लगा दिया। नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट के दो पीस है, हम चाहे तो इसमें यू मैग्नेट यूज कर ले उसका नॉर्थ साउथ, चाहे तो दो अलग अलग मैग्नेट ले ले, इसमें एक का ये नॉर्थ है और एक का साउथ है। ओके ये लो, सो दिस इज सिलिंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट। सिलिंडर शेप्ड मैग्नेट्स, अच्छा उसके बाद यहां से हम इसमें दो टर्मिनल रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है। ये जो है किस पर माउंट होता है, तो आंसर है इसके इस तरफ एक हम फ्रेम बना देंगे, इस फ्रेम के साथ यहां पर एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती होती है और ये एक स्प्रिंग होता है, दिस इज फॉस्फर ब्रॉन्ज। यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं जो कि ये बेस के साथ लगा है। अब अगर ये घूमेगा, ऐसा घूमेगा तो ये स्प्रिंग टाइट होगा, ये पट्टी भी मुड़ेगी, पट्टी भी टाइट होगी। लेट अस मेक स्प्रिंग ऑन वन साइड एंड स्ट्रिंग ऑन वन साइड। आपने इधर बना लिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से इसका वेट फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप पर रहता है और यहां एक छोटा सा हेयर स्प्रिंग रहता है। हेयर स्प्रिंग मीन्स हेयर जैसे वेरी सॉफ्ट स्प्रिंग, बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग होता है ये। तो ये कॉइल इस ये स्प्रिंग और फॉस्फर ब्रॉन्ज इस पर ऐसा बंधी हुई है एंड इट इज फ्री टू रोटेट, ये इस तरह से रोटेट हो सकती है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो इट इज फ्री टू रोटेट। और यहां पर क्या बना दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। याद करिए हम लोगों ने जो पिछला किया है, करंट कैरिंग कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कॉइल होती है, करंट फ्लो होगी, कॉइल पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने के कारण घूमेगी। ये सारी चीजें हमने इसमें क्रिएट कर दी। अब हम इन दोनों में करंट टर्मिनल वन टर्मिनल टू, ये टर्मिनल वन टर्मिनल टू में करंट क्रिएट करेंगे तो ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो कितने डिग्री घुमा है उसको देखने के लिए हम यहां पर एक स्केल लगा देते हैं, दिस इज इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर में हम एक स्केल ऐसी लगा देते हैं, ये दिखाता है कि ये इंडिकेटर कितना डिग्री घूम गया है। मैग्नेट मैग्नेट, सो दीज आर सिलिंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट्स। This is frame. इस फ्रेम में ये कॉइल लटक रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा है। सो दिस इज डिस्क्रिप्शन, इसमें करंट फ्लो कराएंगे टर्मिनल वन और टर्मिनल टू, ऐसे करंट फ्लो होगी। जब इसमें करंट फ्लो होगी ये घूमेगा, जब ये घूम
omega, indicator 2 omega and indicator will give the readings. Okay. Now we will study again. This is what? Description and title. So description mein aap kya kya cheeze batayenge? Coil on spring and phosphor plunge strip. Cylinder shaped magnets. Indicator to show rotation. इस तरह से ये इसके तीन पार्ट होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल और रोटेशन का इंडिकेटर दिखाने का. और ये कॉइल किसमें लटकी रहती है? एक फ्रेम में लटकी रहती है. ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं वर्किंग. ये वर्क कैसे करता है? हाँ जी, वर्किंग में सबसे पहले इसको जब हम ऊपर से देखेंगे, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट को ऊपर से आप ऐसे देखिए, हमको क्या दिखेगा? एक कुएं जैसा दिखेगा. इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये कॉइल, ये कॉइल आपको उसके अंदर दिखेगा इस तरह से. और ये कॉइल ऐसा घूम सकता है, ठीक है? सिलेंडर उतना ही बड़ा है कि ये कॉइल इसमें आकर ऐसे घूम सकता है. अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए एक स्पेशल टर्म है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो कॉइल बनती है. ओके, कॉइल के डिस्क्रिप्शन में एक चीज छूट गई, उसको हमने नोट करना है कि ये जो कॉइल बनाते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं. ये सिर्फ ऐसे हवा में बनी हुई कॉइल नहीं होती. इसके लिए हम एक मेटेलिक सिलेंडर लेते हैं, मेटल का सिलेंडर. ये मान लीजिए गोल है, तो ये मेटल सिलेंडर हो गया. इस मेटल सिलेंडर में यहां ऐसे तार को लपेटेंगे इस तरह से, ये कॉइल बनते जा रही है. ये जो कॉइल बनती है, ये वाले मेटल सिलेंडर, ये कॉइल दो टर्मिनल, ये कॉइल को इस सिलेंडर के अंदर ऐसा डाल. अब क्या होगा? ये यहां पर ऐसे घूम सकता है. तो घूमता कौन है? सिलेंडर. और उसके साथ में यहाँ कॉइल है, इस तरह से कॉइल बनी हुई है, तो ये कॉइल भी इसके साथ ऐसा घूमे. समझ आया? ओके. उसी चीज को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? ये दोनों इसके फेस है मैग्नेट के. ये बना इसके अंदर मेटल का सिलेंडर, ये इससे बहुत सटा हुआ रहता है. मैं अभी अपने कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, अदरवाइज ये और भी बड़ा रहता है. इस के सिलेंडर के ऊपर एक फ्रेम में, मेटल के फ्रेम में इसको कॉइल को ऐसे लपेट देते हैं. तो जब हम ऊपर से देखेंगे ऐसे कॉइल, तो हमको ये ऊपर का हिस्सा दिखेगा, बाकी पीछे की कॉइल नहीं दिखेगी. ऐसा सिलेंडर है, तो ऊपर का हिस्सा हमको दिखता है, मान लीजिए ऐसे. इधर अंदर जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है, ऊपर से देख रहे हैं. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा जब हमको ऐसा दिखेगा इस तरह से, और ये क्या चीज है? मैटर. अब यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी स्पेशल है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं, ये हमको मालूम है. यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी इस तरह से, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी.
फिर से देखिए यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगी वो ये इसको मेटल की सरफेस मिलती है ये। और ये है सॉफ्ट आयरन, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन को। कोर क्योंकि इसके अंदर रहती है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता। या ये कहें कि ये इसके अंदर यहां से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहां से ऐसा बनता है, यहां का मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर ये एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसे जाता है, इसके लिए थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का लेसन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नॉर्थ और साउथ दो पोल है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है इस तरह से। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक सिलेंडर रख दें या लोहे का सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर हमने ऐसा रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी? तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएगा ऐसे और इसके अंदर से ऐसे जाता हुआ यहां ऐसे ये वाला ऐसे और यहां जाकर ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसा जाएगा सेंटर की तरफ और फिर इस तरह से, और ये वाला ऐसे और यहां से इस तरह से। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड उड़ जाएगा यहां से ऐसा सेंटर का निशाना लेके ऐसे, और यहां से ऐसा होकर इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो जब हम इसमें सर्कल डालते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन जाता है, इन दोनों के बीच जो नॉर्थ साउथ की लाइन है, यहां की लाइन ऐसे, यहां की लाइन इसके अंदर ऐसे जाती है क्योंकि फील्ड लाइन हमेशा सरफेस पर राइट एंगल बनाती है, सरफेस पे फील्ड लाइन राइट एंगल बनाती है, तो लाइन ऐसे टेढ़ी नहीं मिलेगी, वो अपने आप ऐसी हो जाएगी एट राइट एंगल। यहां पर ये सरफेस है तो ये लाइन अपने आप राइट एंगल हो जाती है ऐसे, और राइट एंगल का डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की तरफ, तो ये यहां से ऐसा आता है और यहां से ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसा चला जाएगा, ये सेंटर है, ये यहां से सेंटर की तरफ और अंदर जाकर ऐसा निकल आएगा, ये यहां से ऐसे और अंदर जाकर ऐसा। इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूं और आपको लगेगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये वाले डायग्राम को थोड़ा और साफ करते हैं, ये सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन में यहां पर नॉर्थ साउथ पोल है, ओरिजिनली लाइन कैसी थी सर, स्ट्रेट इस तरह से, और इसके अंदर से जा रही थी ये एक दो और ये है फिफ्थ, ये है ये इसके बाहर है। जैसे ही हम आयरन पीस रखते हैं क्या चेंजेस होते हैं, आयरन मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर खींच लेते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना रास्ता बदल देती है। अब ये कैसे जाती है, यहां से नॉर्थ है तो इस नॉर्थ के सामने एक साउथ पैदा हो जाता है, कहां पर, ये अगर नॉर्थ है तो यहां पर साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इसका सेंटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है सेंटर की तरफ और ये इसके अंदर से ऐसे पास और यहां से ये साउथ, यहां वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये ऐसे जाती है और अंदर जाकर ये वाली ऐसे जाती,
सेंटर की तरफ और ये वाली सेंटर की तरफ। इस तरह से सब का मुंह किधर हो जाता है? सेंटर की तरफ। और अब है ये सेंटर और ये भी सेंटर। तो ये सब ऐसे बन जाती है। अब देखिए ये निकलती कैसे, हमको दिखता है कि यहां से ये ऐसे साउथ की तरफ ऐसे, ये यहां से गई और इस तरह से, ये यहां से गई इस तरह से, ये यहां से जाएगी ऐसे और ये यहां से जाएगी इस तरह का फीड बनता है। अच्छा, ये जो फीड बनता है इन सब का मुंह किधर है? सेंटर की तरफ। और ये सब किधर से निकलती हुई दिखती है? सेंटर से। अगर हम बाहर से ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो हमको एक डाउट होता है। डाउट ये होता है कि ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों लाइन हमने क्रॉस किया यहाँ पे, जबकि फील्ड लाइन का क्रॉस करना मना है, फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। तो ऐसे फील्ड कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है कि अंदर में फील्ड ऐसा नहीं होता, ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे, ऐसा फील्ड नहीं होता अंदर में। तो अंदर में कैसा फील्ड होता है देखिए, ये तो दिख रहा है ना आपको आपने सामने सब रेडियस, ये वाला जो फील्ड होता है ये इसको हम कहते हैं रेडियल फील्ड। क्या नाम है इसका? रेडियल। तो रेडियल फील्ड क्या होता है, जो कि कहां से आते हुए दिखता है? सेंटर से, इन द शेप ऑफ रेडियस। एक्चुअली अंदर में ये कैसा बनता है? तो इसका आंसर है कि अंदर में अंदर में ये ऐसा होता है, किसी लाइन ने किसी लाइन को काटा नहीं, काटा इस तरह से ये लाइन इसके अंदर सेट हो जाती है। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां निकलती है, हमको क्या लगता है ये इधर से गई और इधर से निकली, पर ये वाली लाइन इसकी नहीं है, ये वाली है। समझ में आया? दिखती ऐसे है, क्यों? क्योंकि सब के सब रेडियस से आती हुई दिखती है। तो यहां पर भी हमको फील्ड कैसे दिखता है, जैसे कि ये रेडियस से बाहर आ रहा है, ये रेडियस से बाहर आ रहा है, इस तरह से रेडियल फील्ड यहां पर बन जाता है। ओके, ये तरीका समझ आया कि रेडियल फील्ड कैसे बनता है। अब रेडियल फील्ड हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सिलेंडर की शेप देखिए, सीधे मैग्नेट के सामने हमने क्या लगा दिया? सिलेंडर की शेप लगा दी और उसके अंदर लोहे का एक सिलेंडर रख दिया। लोहे का सिलेंडर और सिलेंड्रिकल शेप, ये लोहे का सिलेंडर और ये सिलेंड्रिकल शेप, ये दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं? रेडियल मैग्नेटिक। ठीक है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट। अब क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं के लिए देखिए, कल जो हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, वो टॉर्क का फॉर्मूला हमको बताता है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जिस समय इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, कब होता है ऐसा? तो ये कल आपने नोट किया है, व्हेनेवर कॉइल इज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज दिस बी, इसका एरिया वेक्टर ऐसा, एरिया वेक्टर, ये एंगल कितना 90, तो साइन 90 कितना हुआ 1। तो कॉइल को कैसा रहना चाहिए? अलोंग बी। अगर अलोंग बी है तो ये साइन थीटा यहां से गायब हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब कॉइल यहां से घूम गई,
कॉइल घूम गई तो क्या ये 90 रहेगा? नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारे पास उसका तरीका है। क्या तरीका है? देखिए अभी कॉइल ऐसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसी है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और इज इट मेकिंग सर्टेन थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉइल ऐसा घूम गई, टॉर्क पड़ने से ये ऐसे आ गए, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है कॉइल, इज इट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और मेकिंग सर्टेन थीटा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखिए ये घूमकर ऐसे आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, अब कैसी है? यस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये मतलब है कि आप जिधर भी घुमाइए हमेशा वो कैसी रहेगी? अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है तो साइन थीटा कितना होगा? 1। तो कहीं भी घूम कर जाए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम आई ए बी, एम कॉन्स्टेंट है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया कॉन्स्टेंट है, जितना बड़ा इसका एरिया, बी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया उतना स्ट्रॉन्ग बी, तो ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट। टॉर्क सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? करेंट आई पर डिपेंड करेगा। क्या टॉर्क थीटा पर डिपेंड करेगा? अब नहीं करेगा, क्योंकि थीटा हमने परमानेंट 90 कर दिया, समझ आया? तो उस थीटा को गायब करने के लिए हम लोग ये वाला काम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या बना देते हैं? रेडियन, समझ आया? तो ये गैल्वेनोमीटर का एक बड़ा स्पेशल फीचर है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मेड रेडियल सो दैट साइन थीटा बिकम ए कॉन्स्टेंट, अदरवाइज वो वेरिएबल होता, तो टॉर्क हर एंगल में टॉर्क अलग अलग होता और हम लोग करंट को मेजर नहीं कर पाते। अगर हमने साइन थीटा को भी कांस्टेंट कर दिया 1, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हमारा टॉर्क सिर्फ इससे अफेक्टेड होगा? करंट से। और हम करंट को नापना चाहते तो हम टॉर्क को नाप लेंगे, क्या नाप दिया हमने? करंट। अदरवाइज पहले क्या होता? थीटा बदलता तो टॉर्क बदलता, आई बदलता तो भी टॉर्क बदलता, टॉर्क बदलने से थीटा के कारण है कि आई के कारण है हमको नहीं पता चलता। अब श्योर है किसके कारण है? आई के कारण है, क्योंकि थीटा हमने परमानेंटली क्या कर दिया? यहां पे साइन थीटा वर्क कर दिया। इंपॉर्टेंट समझ आया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना? ठीक है, कैसे बनाना? मैग्नेटिक हेड कैसा लेना है? सिलिंड्रिकल, और उसके अंदर क्या रखना है? सॉफ्ट आयरन की सिलेंडर की कोर, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? रेडियल। रेडियल बनने से बेनिफिट, साइन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, इट विल बिकम कांस्टेंट। तब हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन आई ए बी, दैट इज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हो जाएगा। ये हम आगे कैलकुलेशन की तैयारी कर रहे हैं कि टॉर्क सिर्फ आई के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, तो ये हमारा आ गया रेडियल फील्ड। ओके, ये चीज समझने के बाद में वर्किंग, अब वर्किंग में वी कनेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टर्मिनल 1 एंड 2, करंट इज फ्लो थ्रू 1 टर्मिनल्स, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू टर्मिनल्स देन ए टॉर्क इज क्रिएटेड। So this
टॉर्क ऑन दी कॉइल। अच्छा, अब इस टॉर्क के बनने से क्या होगा? आंसर है, इस टॉर्क के बनने से ये कॉइल घूमना शुरू करेगी ऐसे। अब अगर ये कॉइल घूमना शुरू करती है, ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हुई, ये ऐसे फिर ऐसे घूमी, क्या टॉर्क में कोई चेंज आया? नहीं। क्यों? सब चीजें कांस्टेंट है, करंट हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्लो कराई, उस करंट से टॉर्क बना 10 यूनिट सपोज। तो ये यहां से ऐसा घूमा, अभी भी टॉर्क कितना है? 10 यूनिट, अभी भी 10 यूनिट, अभी भी 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा कितना है? 1। हमने किससे अचीव किया था? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से। तो टॉर्क की वैल्यू नहीं बदल, दिस इज 10 10 10 10, और ये ऐसा घूमते चला जाता। तो ये कैसा टॉर्क है? एक पर्टिकुलर वैल्यू का टॉर्क है, भले एंगल छोटा हो भले एंगल बड़ा। अब दूसरी तरफ देखिए, जैसे ही ये ऐसा घूमता है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया? फॉस्फर ब्रॉन्ज से ये लटक रहा है। अगर ये घूमेगा तो ये पट्टी का क्या होगा? ये वाली पट्टी, ये यहां से ऐसे टॉर्शन में आएगी, एंड जाएगी। तो ऊपर से हमने फिक्स कर दी पट्टी और नीचे इसको लगाया है, इसको लगाकर जैसे ही घुमाते हैं, ऊपर का पोर्शन फिक्स है, नीचे का पोर्शन ऐसा घूमता है, तो इसमें टेंशन आएगा। टेंशन आके ये क्या चाहेगी? उल्टी आना। ये एक उल्टा टॉर्क क्रिएट करती है जो कि उसको वापस लाना चाहता है। ये हम लोग को मालूम है, इसको किसी भी पट्टी से लटका के ऐसा करिए, छोड़ दीजिए, ये फिर ऐसा आ जाए, क्योंकि पट्टी ऐसी। इसी तरह से इसके नीचे हमने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, जैसे ये घूमता है ये स्प्रिंग टाइट हो जाता है, एयर स्प्रिंग, और टाइट होता है तो क्या करता है? वो एक उल्टा टॉर्क क्रिएट करता है जो कि इसको वापस लाना चाहता है। तो ये एयर स्प्रिंग और फॉस्फर ब्रांच, ये दोनों मिलकर इसको एक उल्टा टॉर्क क्रिएट करते हैं जो कि इसको वापस लाएगा। ठीक, सीधा कौन ले जा रहा है? टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट। उल्टा कौन ले जा रहा है? टॉर्क बाय स्प्रिंग एंड फॉस्फर ब्रांच, बाय स्प्रिंग मान लीजिए। ठीक है, फिर से ये जो सीधा टॉर्क लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 10 10 10 और 10। जो उल्टा टॉर्क लग रहा है उसके बारे में देखिए, वो मैकेनिकल टॉर्क है। मैकेनिकल टॉर्क हमने किससे क्रिएट किया है? स्प्रिंग से। स्प्रिंग के टॉर्क की स्पेशलिटी क्या है? हमने घुमाया 1 डिग्री, 1 डिग्री, टॉर्क पैदा हुआ 1 यूनिट। 2 डिग्री घुमाया तो 3 डिग्री घुमाया तो 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग को जितना घुमाते जाएंगे उतना वो टाइट होते जाता है। तो शुरू में टॉर्क कितना होगा? 1, फिर दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी डिग्री में 4, एक एक डिग्री बढ़ाते हैं तो वो बढ़ते जाता है। अब देखिए, एक टॉर्क करंट वाला इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, स्प्रिंग वाला किधर जोर लगाता है? एंटी क्लॉक। ज्यादा ताकत वाला कौन है? शुरू में ज्यादा ताकत वाला है करंट, क्योंकि करंट ने एक साथ कितना बनाया? 10। ये 1 डिग्री घूमा तो स्प्रिंग में उल्टा टॉर्क पैदा हुआ 1, फिर ये 2 डिग्री घूमा, अब कितना पैदा हुआ? 2, फिर ये 6 डिग्री घूम गया तो स्प्रिंग में कितना पैदा हुआ? 6, लेकिन इसका कितना है? 10, अभी भी ये भारी है। फिर इसे और घूमता है, अब ये 10 डिग्री घूम गया। जब ये 10 डिग्री घूम गया तो स्प्रिंग को इसने कितना ऐड दिया? 10 डिग्री। अब उसमें भी टॉर्क कितना पैदा हो गया? 10। ये 10 से ऐसा घूमना चाहती है करंट, और स्प्रिंग उल्टा लगा रहा है टॉर्क 10। दोनों टॉर्क बराबर हो गए, अब क्या होगा? अब ये आगे नहीं घूम पाएगा। पहले ये बड़ा घूमता था तो घूमता था, अब बराबर हो गया, ये ऐसा जाना चाहता है करंट से और स्प्रिंग उल्टा करना चाहता है, बैलेंस हो गए। ये हर जगह होता है, स्प्रिंग की जितनी मशीनें होती हैं उसमें यही होती हैं। हम वेट लेने के लिए मशीन पे खड़े होते हैं तो पहले हमारा वेट ज्यादा होता है, हम स्प्रिंग को दबाते जाते हैं, उसका कांटा उठते जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्प्रिंग का टेंशन हमारे वेट के बराबर हो जाता है, अब हम उसको दबाना बंद कर देते हैं, जहां कांटा रुकता है वो हमारा वेट। यही बैलेंसिंग का एक्ट इसमें भी हो
करंट इसको ऐसा घुमाते जाती है और घूमते घूमते स्प्रिंग टाइट होते जाता है, जब उसका टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर हो जाता है घूमना बंद हो जाता है, और उस समय ये वाला पॉइंटर यहाँ से घूम के कहीं ना कहीं ऐसा आ गया हो कि ये कितने डिग्री घूम गया। अब ये बताइए कि जब ये घूमता है उस समय किसका टॉर्क कॉन्स्टेंट रहता है और किसका टॉर्क बढ़ता है? करंट कॉइल वाला टॉर्क कॉन्स्टेंट रहता है और स्प्रिंग कॉइल वाला बढ़ता है। ओके, तो हमने ये मान लिया कि स्प्रिंग कॉइल में जो टॉर्क बनता है वो टॉर्क की यूनिट है एक डिग्री में टॉर्क। तो दो डिग्री में कितना होगा? टू टॉर्क। तीन डिग्री में कितना होगा? थ्री टॉर्क। और अगर ये फाइव घुमा तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा? फाइव इंटू टॉर्क। ये टॉर्क क्या है? वो वाला टॉर्क जो कितना घूमने से पैदा होता है, वन डिग्री। तो 5 डिग्री घूमने से कितना पैदा हुआ? 5 इंटू टाउ। ये हम टाउ ना मान के टाउ कंफ्यूज करेगा, लेट अस टेक इट एज k। k क्या है? k इज स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट। स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट यानी स्प्रिंग को 1 डिग्री घुमाने से वो जितना टॉर्क बनाता है। अब हमने इसको कितना घुमाया? 5। तो ये कितना टॉर्क क्रिएट कर देगा? 5 इंटू के। व्हाट इज के? स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट। ये 5 डिग्री घूमने से के बनाया। अच्छा, अब हमने क्या किया? इसमें करंट फ्लो कराए। करंट फ्लो कराने से कॉइल ने घूमना शुरू किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और 5 डिग्री पे जाती रुक गया। सो कॉइल रोटेट एंड स्टॉप्स एट 5 डिग्री। देन टॉर्क बाय कॉइल कितना होगा? एन आई ए बी, क्योंकि इसको 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 डिग्री में भी उतना था और 4 में भी उतना और 5 में भी उतना, ये हम पहले कर चुके। लेकिन स्प्रिंग को फर्क पड़ता है, स्प्रिंग ने कितना टॉर्क क्रिएट किया 5 डिग्री पे? के इंटू 5। ये स्प्रिंग ने क्रिएट किया और ये क्या हो गया? स्टॉप। जब ये स्टॉप होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वल लगा सकते हैं, तभी तो स्टॉप होगा। ये टॉर्क एक डायरेक्शन में घुमा रहा है, स्प्रिंग दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों टॉर्क बराबर हो गए तो ये स्टॉप हो गया घूमना, और वही घूम के ये यहां से इतना घुमा और यहां घूम गया। सो एट दैट टाइम वी गेट दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे आया समझ में आ गया? फाइव क्या है? रोटेशन। के क्या है? स्प्रिंग। टॉर्क कॉन्स्टेंट। बाकी सब चीजें आप पहचानते हैं क्या क्या है। ओके, अब हमको चाहिए आई का मेजरमेंट, तो हम यहाँ आई को आइसोलेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू ए फाइव अपॉन एम ए, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू ए फाइव एम ए। अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। ए क्या है? कॉन्स्टेंट फॉर द स्प्रिंग। एन नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार गैल्वेनोमीटर हम बनाएंगे उसका एन बना देंगे, दैट बिकम ए कांस्टेंट, और उसका एरिया भी फिक्स है, घूमते समय एरिया चेंज नहीं होता। तो ए इज ए कांस्टेंट। मैग्नेटिक, जो भी हमने दो मैग्नेट लगाए जितना भी घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा, सो दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। दिस 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 इज ए कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट होते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 5। तो करंट किसके प्रोपोर्शनेट है? 5। व्हाट इज 5? दैट इज दिस डिफ्लेक्शन। 5 इज डिफ्लेक्शन और रोटेशन। और यहां हमने स्केल लगाई हुई है डिग्री की, वो हमको बता देती है कि कितना 5 है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि अगर 5 2 डिग्री है कुछ करंट है, और अगर 4 डिग्री हुआ तो करंट कैसी हो गई? डबल। और अगर 5 20 दिखा रहा है तो करंट कितनी है? 10 टाइम्स। तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये है कि फाई से रिलेशन बहुत तरह के होते हैं, इस तरह से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट फाई। तो हर एक में हमको क्या करना पड़ता, रिलेशन निकालना पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की वैल्यू निकालनी पड़ती। पर अगर हमको रिलेशन दिया गया है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई और कुछ है, तो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये हमको क्या इंडिकेशन देता है, यहां से साइन फाई, टेन फाई, कॉस फाई या फाई, ये यहां से एक दो तीन चार जो दिखा रहा है डिग्रीज, ये क्या है? फाई, क्योंकि एंगल दिखाता है ये सिंपल। तो यहां से इसने शुरू किया यहां तक 90, तो ये हमको क्या दिखा रहा है? फाई। तो हमको उसके किसी भी रेशियो को गिनने की जरूरत नहीं है, करंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? फाई के प्रोपोर्शनल होती है। सो दिस इज कन्वीनियंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। ओके, सो ये जो जी है, जी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। और ये गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट किसके बराबर है? जी इज इक्वल टू, यहां से देखिए, के अपॉन एन ए, ये गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट होता है। ओके, अब उसके बाद एक चीज हम इसमें स्टडी करेंगे, एंड दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये हमको करंट दिखाएगा, इसका हम कैलिब्रेशन कर लेते हैं। जैसे हमको पता है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, तो वो करंट हम इसमें से फ्लो कराएंगे और ये यहां से यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तो यहां हम क्या लिख लेंगे? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर लिख के इसके 100 टुकड़े कर लिए, इसके 100 टुकड़े कर लिए 100, तो एक टुकड़ा इसके बराबर हुआ 1/100 एम्पियर, दैट इज 0.01 एम्पियर। तो हर टुकड़े पे हमने क्या लिख लिया? 0.01, 0.02, 0.03, 0.77, 0.88 और लास्ट में जाके 1 एम्पियर। इस तरह से हमारा कैलिब्रेशन हो गया। दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के लिए हमको पहले किसी न किसी के साथ कंपेयर करना पड़ता है। ये हमारा यूनिट और मेजरमेंट का स्टैंडर्ड सिस्टम है। से कंपेयर करके हम इंस्ट्रूमेंट में लिख लेंगे, उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट से हर जगह की करंट नापते रहेंगे, तो वो हमको बताता रहेगा कि इतना है। अब अगर हमने 1 एम्पियर का बनाया, विच इज 100 पार्ट्स हर एक को कर दिया, तो हर एक में कितना कितना आ रहा है? 10 मिली एम्पियर्स। अब हम कहीं गए, वहां हमने देखा कि करंट लगाई 4 पार्ट तक आ गया, तो हमने बताया यहाँ करंट 40 मिली एम्पियर है। 6 पार्ट्स तक आया 60 मिली एम्पियर, 23 आया 230 मिली एम्पियर है, वो हमने इससे बताने शुरू कर दी। दिस इज हाउ इट इज कैलिब्रेटेड। ओके, अब अगली चीज आती है, देयर इज वन थिंग नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सेंसिटिविटी क्या होता है? हम चाहते हैं कि बहुत छोटी सी करंट हो तब भी गैल्वेनोमीटर उसको सेंस कर ले। जैसे एक गैल्वेनोमीटर मैंने लिया, उसके 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल पर ये उंगली रखी, दूसरे टर्मिनल पर पैर की उंगली रखी, और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं दिखाया, तो मैंने क्या कहा कि करंट तो जरूर है पर ये गैल्वेनोमीटर नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव नहीं। तो सेंसिटिव क्या हुआ? ऐसा गैल्वेनोमीटर मुझे चाहिए जो 1 माइक्रो एम्पियर भी दिखाए, उसको अगर लगाऊंगा तो वो 1 दिखाएगा। इसका मतलब 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन पहले वाला गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो उतना सेंसिटिव नहीं। ये जनरल मीनिंग है सेंसिटिव का। तो सेंसिटिविटी को हम लोग फिजिक्स में कैसे टर्म करते हैं?
जितनी कम करंट लेंगे अगर कोई डिफ्लेक्शन दिखाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उतना ज्यादा सेंसिटिव। फिर से उसको और इजी करते हैं, हमने दो गैल्वेनोमीटर लिए, दोनों को एक एक माइक्रो एम्पियर दिया, एक ने दिखाया, दोनों में करंट कितनी थी, 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, एक ने दिखाया 2 डिग्री, दूसरे ने दिखाया 10 डिग्री, करंट एक जैसी थी, एक ने 2 और एक ने 10, तो आप ज्यादा सेंसिटिव किसको कहेंगे, 10 वाले को ज्यादा सेंसिटिव कहेंगे, छोटी सी करंट में भी उसने बड़ा इश्यू बनाया। हम लोग करते रहते, छोटी सी बात होती है बड़ा इश्यू बना दो, तो ये क्या है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो जो सेंसिटिव होते हैं ठीक है, तो इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन है कि आई करंट से कितना देता है, फाई डिफ्लेक्शन, तो यूनिट करंट से कितना देगा, फाई अपॉन आई, तो जिसकी फाई अपॉन आई की वैल्यू बड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे, मोर सेंसिटिव, छोटा सा आई दो बड़ा फाई मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। ये सेंसिटिविटी को भी हमने दो हिस्से में बांट दिया, वन इज करेंट सेंसिटिविटी, अदर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करेंट सेंसिटिविटी, दिस इज आई सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ये करेंट सेंसिटिविटी होगी। ओके, अब यहां पर देखिए फाई अपॉन आई, इस फॉर्मूला से हमको फाई अपॉन आई डायरेक्ट निकलता है, इस आई को इधर ले आइए, नीचे आ गया तो फाइव अपॉन आई रहा, फिर ये दोनों को इधर ले जाइए उल्टे हो गए, तो ये क्या हुआ, एन ए बी अपॉन टी, दिस इज आई एक्स, करेंट सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको नोट करिए, ये करेंट सेंसिटिविटी का फॉर्म है, एन ए बी अपॉन के। Rate of change of reflection with respect to current, ये होती है current sensitivity, और formula NAB upon K। इसके साथ एक छोटा सा question और पूछा जाता है, how can we increase the sensitivity of galvanometer? How can we increase sensitivity of galvanometer? तो इसमें अगर हमको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो ये तीनों इंक्रीज होने चाहिए और ये डिक्रीज होना चाहिए। सो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, बोलिए नंबर ऑफ टर्न्स कैसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी और मोर, नंबर ऑफ टर्न्स को शुड बी मोर एंड मोर, ज्यादा होनी चाहिए तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। दूसरा एरिया लार्जर, जितना एरिया बड़ा होगा उतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनेगा तो मैग्नेट्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर, ये तीनों चीजें, मैग्नेट कॉइल का एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, तीनों का इफेक्ट समझ आया। अब चौथा के, के को हमने कम करना है, के को कम या ज्यादा कैसे करेंगे, के क्या चीज है, स्प्रिंग, हाँ, एक डिग्री घुमाने से जो स्प्रिंग टॉर्क क्रिएट करता है उसका हमने मेजरमेंट क्या रखा, के,
तो एक स्प्रिंग है जो कम टॉर्क क्रिएट करता है और एक है जो ज्यादा टॉर्क क्रिएट करता है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? आंसर है जो ज्यादा टॉर्क क्रिएट करता है उसको हम बोलेंगे बहुत कड़ा स्प्रिंग है, हार्ड स्प्रिंग, और जो कम टॉर्क क्रिएट करता है सॉफ्ट स्प्रिंग। ठीक है, सो यहां पर की शुड बी स्मॉल by using a soft spring। तो spring जितना ज्यादा soft होते जाएगा उसके k की value उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये k की value समझ आया? k क्या है? resistance जो create करता है spring, जितना जोर लगाता है तो सॉफ्ट होगा, जोर कम लगाएगा टॉर्क कम बनाएगा, उसमें के की वैल्यू कम आनी चाहिए। तो ये आ गए, दीज आर द फोर पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू चेंज द सेंसिटिविटी, हाउ वी कैन इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये सेंसिटिविटी के लिए हो गया। दूसरी सेंसिटिविटी हमने पढ़ी थी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज ES, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा वोल्टेज किसके बराबर होती है, रेसिस्टेंस इनटू करंट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रेसिस्टेंस इनटू करंट सेंसिटिविटी, सो दिस विल बी रेसिस्टेंस एंड ए बी अपॉन के, सॉरी लेट मी करेक्ट इट अगेन, ऐसे नहीं, रेसिस्टेंस सेंसिटिविटी यहां से लिखिए, व्हाट इज दिस, फाई पर यूनिट करंट, क्या बना करंट सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बनानी है तो क्या करेंगे, फाई पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्ट, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होने से करंट सेंसिटिविटी, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट होने से वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, नाउ दिस V विल कन्वर्ट एज V इज इक्वल टू I इनटू R, और यहां पर हम I की वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू, ओके I की वैल्यू कितनी होती है, K N A T इनटू phi, phi अपॉन K N A आर को वैसे ही रहने देते हैं और आई लिखना है, आई इज इक्वल टू के फाइव अपॉन एन के, दिस इज इक्वल टू फाइव फाइव कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज एन ए अपॉन के, वही आएगा एन ए बी अपॉन के, और यहां है एन ए बी अपॉन के साथ में आर। तो करंट को वोल्टेज कैसे बनाते हैं, आर से मल्टीप्लाई करके, तो ये आर यहां पर आते हैं मल्टीप्लाई करते, सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ हाउ टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये ऑर्डर है, और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए कम, तो रेसिस्टेंस आपको कम करना है, लेकिन अगर आप एन को इंक्रीज करते हैं, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, पर हम रेसिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ हमको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, वायर की एरिया, वेरी गुड, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन यानी वायर की मोटाई ज्यादा करेगा कम नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, अब रेसिस्टेंस मत बढ़ जाए इसलिए हम मोटी तार यूज करेंगे, मोटी तार यूज करने से क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटी तार का यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा,
कम हो जाने से हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा भी सकते। इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी में ये एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी दैट थिकनेस ऑफ द कंडक्टर शुड बी ओके। तो ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, अब ये दोनों तरह की